नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आइकॉन्स ऑफ एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भोपाल के शिक्षा जगत का जाना माना नाम इंजीनियर विनोद यादव जी मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और सीएमडी है मेगा वर्ल्ड शार्क ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभांगी जी, धन्यवाद नेटवर्क एक्टिंग का। चलिए तो सबसे पहले सर, अपने बारे में आप जरूर बताएं हमें और मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में भी जरा विस्तार से बताएं। मैंने 90s में बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस में, एंड देन आई डिड मैनेजमेंट इन जनरल मैनेजमेंट, एंड आई हैव वर्कड इन मैनी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। 2000 में वी हैव स्टार्टेड दिस मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Initially, we started with the pharmacy college, and later on, we added many courses and many colleges here. And now, Millennium Group of Institution is one of the top education group, not only in India, not only in MP, but also in India. सर, एक सवाल जो ज्यादातर एजुकेशनिस्ट से पूछा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? जब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था तो मेरे पास कई सारे बिजनेस मॉडल्स के ऑफर थे। मैंने कई बिजनेस मॉडल्स पे एसेस किया। मैंने देखा कि एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर न सिर्फ आप अपने लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर सकते हैं, बाकी बहुत सारे समाज के बहुत सारे लोगों के लिए नौकरियाँ क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा क्रिएट कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एजुकेशन सेक्टर में कदम रखा, और चूँकि मैं इंजीनियर था, टेक्निकल व्यक्ति था, तो मैंने टेक्निकल कॉलेजेस से ही स्टार्ट किया। और आज की डेट में हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, फार्मेसी कॉलेजेस हैं, एमबीए कॉलेजेस हैं, नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, एएमई एक नया कोर्स है जो सेंट्रल इंडिया और मुझे तो लगता है कि इस पूरे उत्तर भारत में हमारे पास ही है, बीटेक इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो सारे कोर्सेज को हम लोग यहाँ रन करते हैं, और हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। सर, मिलेनियम ग्रुप की अगर हम बात करें, इस इंस्टीट्यूट की आधारशिला किन वैल्यूज और जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है? वैल्यूज में तो हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि दो ही उद्देश्य हमारे पास थे, कि एक बच्चों को समाज में अच्छी शिक्षा दी जाए और लोगों के लिए रोजगार क्रिएट किया जाए। तो जैसे कॉलेजेस में हमारे करीब 300-400 लोग काम करते हैं, तो एक बड़े लेवल पे हम लोग रोज़गार भी उपलब्ध कराते हैं लोगों को, और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स कराते हैं, उनको भी उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। न सिर्फ वो लोग अच्छी कंपनियों में जाते हैं बल्कि वो अपने उद्योग भी स्थापित करते हैं, तो इससे भी समाज में रोजगार मिलता है। विस्तार से जाना चाहेंगे और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है? देखिए, हमारे ग्रुप के अंतर्गत करीब 12 कॉलेजेस हैं और करीब 50 से ज़्यादा कोर्सेज हम लोग कराते हैं। तो बीटेक बहुत सारी ब्रांचेज में हम लोग कराते हैं, जिनमें कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेज और एडवांस ब्रांचेज हैं वो भी हम लोगों के यहाँ पर चल रही हैं, जैसे AIML है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डाटा साइंस है, बीटेक इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है। ये बहुत ही एडवांस कोर्स हैं, अभी कुछ 4-5 सालों में ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे बीटेक इन AMI तो अभी पूरे भारत में सिर्फ 2-3 जगह चलता है, उसमें से नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में सिर्फ हम ही चलाते हैं उसको। तो इस तरह के बहुत सारे एडवांस कोर्सेज के साथ साथ जो जनरल कोर्सेज हैं, कन्वेंशनल कोर्सेज हैं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक कराते हैं हम लोग, फार्मेसी में हमारे पास सारे कोर्सेज हैं, DEd है, MEd है, नर्सिंग में नॉर्मल BSc नर्सिंग है, ANM, GNM है, इस तरह के सारे जो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे 50 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, सबके नाम तो नहीं गिना पाऊँगा, पर लगभग जितने भी 12th के बाद बच्चा जो कोर्सेज करता है वो सब हम कराते हैं। उसमें जनरल कोर्सेज में BSc, BCom, BBS से लेके और मास्टर तक की सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। स्किल डेवलपमेंट की बहुत बात आजकल होने लगी है और ये आज के टाइम की एक नीड भी है। स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट्स के लिए मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट क्या क्या इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अपनाता है? किसी भी कोर्स का उद्देश्य यही रहता है कि वो कोई एक स्किल प्रदान, बच्चों को एक स्किल प्रदान करे। तो स्किल पे हम लोगों ने विशेष जोर दिया है, जैसे जनरल थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस के अलावा
हमने बहुत सारी कंपनियों के साथ MOU करके रखा है। जो कंपनियां न सिर्फ बच्चों को विभिन्न कंपनियों में लाइव इंटर्नशिप देती हैं, जहां बच्चे जाके जो हम जो थ्योरी और जो प्रैक्टिकल यहां सीखा है वो वहां जाकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहां लाइव परफॉर्म कर सकते हैं, उसके साथ साथ फिर उन्हीं कंपनियों में उन बच्चों का प्लेसमेंट भी होता है। तो सारी बड़ी कंपनियां लगभग हमारे साथ इंटर्नशिप पे अवेलेबल हैं हमारे बच्चों के लिए। तो ये स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारे पास जैसे एजुस्किल का एक MOU है, एजुस्किल AICT है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसके साथ भी इनका MOU है। तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, उसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंपनियों में इंटर्नशिप देते हैं, जैसे एक्सटेंचर है, अमेजन है, पेटीएम है, CMS है, ABB है, NEC है, नियोसॉफ्ट है, लगभग 400 कंपनियां हैं जहां बच्चे हमारे इंटर्नशिप कर सकते हैं। इन कंपनियों के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी कंपनियों को बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे क्लाउड है, क्लाउड नेटवर्क है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, प्रोसेस माइनिंग है, RPA है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी एंड देन डाटा साइंस में डाटा माइनिंग है। इन सब टेक्नोलॉजीज पे बच्चे हमारे यहाँ के इंटर्नशिप लेते हैं इन कंपनियों के साथ साथ। इसके साथ साथ हमारे TCS NQT का भी एक MOU है। TCS NQT के साथ भी लगभग 1100 कंपनियाँ जो हैं, टॉप कंपनियाँ जो हैं TCS के लेवल की कंपनियाँ हैं, ऐसी उससे बड़ी कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं, वहाँ भी बच्चे हमारे प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के लिए इस माध्यम से जाते हैं, TCS NQT के माध्यम से। फिर हमारे पास एक मिरेकल इंडिया के साथ MOU है, जो कि बच्चों को न सिर्फ ट्रेनिंग देती है बल्कि अगर उनके साथ बच्चे 70% अटेंडेंस रखते हैं और 65% मार्क्स ले आते हैं तो एटलीस्ट उनको 4 लाख रुपए का पैकेज अवेलेबल कराया जाता है। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की। मैंने सुना है कि मिलेनियम ग्रुप जल्द ही हेल्थ सेक्टर में भी आने वाला है, इसके बारे में भी जरा विस्तार से बताएं। हम एक 300 बिस्तर का अस्पताल हमने अभी इस्टेब्लिश किया है, जिसके ऑपरेशंस को धीरे धीरे करके हम चालू कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले दो तीन महीने में फुल फ्लेस सारे ऑपरेशंस चालू हो जाएंगे। तो हम समाज में, सोसाइटी में जो ख़ासतौर से जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। आयुष्मान के अंतर्गत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हैं, अलग अलग जो बीमा कंपनियां उनके अंतर्गत भी हम फैसिलिटी अवेलेबल कराने जा रहे हैं और बहुत सारे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शिविर लगाते हैं, जिसके अंतर्गत न सिर्फ उनको टेस्ट की सुविधा रहती है बल्कि ट्रीटमेंट भी अवेलेबल कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि सिविल एविएशन और ड्रोन टेक्नोलॉजी को जैसे गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो इस फील्ड में मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कैसे आगे बढ़ रहा है? हम लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना है और भारत की नीड भी है कि अभी निकट भविष्य में भी आपने सुना होगा कि एयर इंडिया ने और इंडिगो ने करीब करीब 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं, जो कि सिर्फ ना सिर्फ इंडिया के लिए एक रिकॉर्ड है बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक रिकॉर्ड है कि कोई भी कंपनी ने इतने बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत में एविएशन सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और उन्हीं अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर DGCA द्वारा सर्टिफाइड AME कोर्स कराया जाता है, साथ में RGPV द्वारा BTEC ME का कोर्स भी कराया जाता है, डिप्लोमा AME का कोर्स भी कराया जाता है। ये हमने नए कोर्स चालू किए हैं पिछले 1-2 सालों में, जो कि भारत की एविएशन इंडस्ट्रीज़ के लिए एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने का काम हम करेंगे और हमारे बच्चों को बेहतर प्लेसमेंट मिलेगा। तो इसके अलावा फिर हमने ड्रोन से रिलेटेड भी ट्रेनिंग यहाँ चालू की। ड्रोन भी बहुत तेज़ी से समाज में जगह ले रहा है, न सिर्फ सामाजिक कार्यों में तो आपने देखा ही देखा होगा, बाकी डिफेंस में ड्रोन का बहुत उपयोग हो रहा है, कम्युनिकेशन में बहुत सारा उपयोग हो रहा है ड्रोन का। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ड्रोन सर्टिफिकेशन के कोर्स स्टार्ट किए हैं, जो बच्चे ड्रोन सेक्टर में या एविएशन सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं उनके लिए भोपाल में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो सभी बच्चों से आग्रह है कि वो ज़रूर इस सेक्टर में सोचें और इसका लाभ लें।